भारत और रशिया दोस्त हैं या दुश्मन, रशिया ने ऑलमोस्ट 50 सालों बाद अपना लूनर मिशन लॉन्च किया, नाम लूना 25। एग्जैक्टली उसी समय जब भारत का चंद्रयान भी चांद पर जा रहा है और रशिया का प्लान हमसे पहले चांद तक पहुंचने का है। क्या ये कोइंसिडेंस है या है एक मैसेज? कुछ एक महीने पहले भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। अब होने वाला ये है कि भारत और रशिया का मून मिशन एक ही साथ लैंड करने वाला है। इस रेस में कंपटीशन काफी तगड़ी है, लेकिन क्या इस रेस के रियल प्लेयर सिर्फ भारत और रशिया है? इस रेस के एग्जैक्टली खिलाड़ी कौन? रशिया हमसे एक महीने बाद लॉन्च करके भी इतना फास्ट चांद तक कैसे पहुंच सकता है? क्या ये रेस सिर्फ एक स्पेस रेस है या फिर इसका जियोपॉलिटिक्स से भी रिलेशन? क्या भारत ये रेस जीत सकता है? रशिया के पास बेहतर टेक्नोलॉजी, ज्यादा बजट और सालों का एक्सपीरियंस है। क्या भारत के पास कोई भी एडवांटेज है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में, लेकिन एक आसान भाषा में। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। हम 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के काफी करीब है, तो आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। चैप्टर 1, रशिया इतना फास्ट कैसे। 14 जुलाई 2023, कुछ एक महीने पहले भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है और हमने चंद्रयान 3 के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। हमारा चांद पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर दूर है और इतना डिस्टेंस पार करने के लिए चंद्रयान को 40 दिन लगेंगे। अनुमान यह है कि हम 23 अगस्त 2023 को मून पर लैंडिंग करेंगे, लेकिन रशिया ने अपना लूनर मिशन तो अभी लॉन्च किया, अगस्त में, हमसे अराउंड एक महीने बाद। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद लूना हमसे पहले चांद तक पहुंच जाएगा। हमारा टारगेट 23 अगस्त है और लूना 17 से 23 अगस्त के बीच चांद तक पहुंच जाएगा। ये कहां का लॉजिक है? चांद रशिया से नजदीक है क्या? जिस काम के लिए हमें 40 दिन लगे, वो काम रशिया 10 दिनों में कैसे कंप्लीट कर सकता है? रशिया इतना फास्ट कैसे जा सकता है? चलिए रीजन समझते हैं। सबसे बड़ा रीजन है विटामिन एम, यानी पैसा। चंद्रयान 3 का बजट 615 करोड़ रुपीज है। इन कंपैरिजन लूना 25 का बजट 16,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा। चंद्रयान का बजट कम होने की वजह से हम एक डायरेक्ट रूट नहीं लेते, एक लॉन्गर रूट लेते हैं। एट द सेम टाइम पिछली बार चंद्रयान 2 मिशन भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के ऑब्जेक्टिव से ही लॉन्च हुआ था, लेकिन हम लास्ट लेग में फेल हो गए। तो इस बार फिर से फेलियर का रिस्क हम नहीं उठा सकते। हम कॉम्प्लेक्स ब्रेकिंग मनूवर्स यूज करके हमारा स्पीड धीरे धीरे कम करेंगे। दूसरा रीजन है फ्यूल। रशिया का सोयुज रॉकेट दुनिया के सबसे पावरफुल रॉकेट्स में से एक है, जिसकी कॉस्ट PSLV-C3 से डबल है, और इस रॉकेट ने आज तक हमसे कई ज्यादा सक्सेसफुल लॉन्चेस भी किए हुए हैं। एक्सपीरियंस, पावर और टेक्नोलॉजी के मामले में रशिया हमसे बहुत आगे। चांद तक पहुंचने के लिए लगने वाला थ्रस्ट रशियन रॉकेट खुद प्रोड्यूस कर सकता है, जहां हमें पृथ्वी की ग्रेविटी की मदद लेनी पड़ती। जहां हमारा रूट कुछ ऐसा दिखता है, लूना का रूट कुछ ऐसा है। आप 1 सेकंड वीडियो को पॉज करके इन दोनों रूट्स को स्टडी कर सकते हैं। तीसरा रीजन है कि चंद्रयान 3 हैवी है। लिफ्ट ऑफ के समय लूना का मास 1750 किलोग्राम था, वेरास चंद्रयान उससे डबल से भी ज्यादा, यानी 3900 किलोग्राम का मास चांद तक पहुंचाने वाला है। चंद्रयान में लैंडर के साथ साथ रोवर भी है, जो चांद पर लैंड करने के बाद ज्यादा एरिया कवर कर सकता है। लेकिन लूना में सिर्फ लैंडर है, रोवर नहीं। हमारा मिशन सिर्फ 14 दिनों के लिए एक्टिव होगा और रशिया का पूरे 1 साल के लिए। ज्यादा पावर सप्लाई और बेहतर थर्मल कंट्रोल सिस्टम की वजह से ये पॉसिबल है। बेहतर टेक्नोलॉजी, ज्यादा पैसा और कम पेलोड, इन सब के कॉम्बिनेशन की वजह से लूना चंद्रयान से ज्यादा फास्ट। चैप्टर 2, रशिया का एजेंडा। ऊपर से देखे तो रशिया का और हमारा मिशन काफी सिमिलर। हमारी लैंडिंग साइट सेम है, अराउंड डेट भी सेम है, और हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव भी सेम है, वाटर। मून के साउथ पोल पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर आइस हो सकता है। इस पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें मिल सकता है, जिससे फ्यूचर में ड्रिंकिंग वाटर, ब्रीदेबल एयर और यहाँ तक रॉकेट फ्यूल भी बन सकता है। लूना चांद के एक ऐसे क्रेटर में लैंड करेगा जो साउथ पोल से कुछ 500 किलोमीटर दूर है। लूना मिशन में कोई रोवर नहीं है, तो लैंड करने के बाद इधर उधर मूव करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो लैंडिंग की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। लूना मिशन में एक रोबोटिक आर्म जुड़ा हुआ है, जो 50 सेंटीमीटर तक नीचे डिग करेगा और पानी के ट्रेसेस ढूंढेगा। लूनर सरफेस के फोटोज लिए जाएंगे। सोलर विंड का चांद पर क्या इम्पैक्ट होता है, इसका स्टडी होगा। लेजर रिफ्लेक्टर्स प्लेस होंगे, ताकि मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर हो सके। साथ ही साथ आने वाले स्पेस मिशंस के लिए रशिया को नई टेक्नोलॉजीज टेस्ट करनी है। 2024 और 2025 में बैक टू बैक
लूना 26 और लूना 27 भी लॉन्च होने जा रहे हैं। चाइना 2030 में चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजना चाहता है, जिसमें रशिया का ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट प्रूव होगा। मून लैंडिंग में चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया है। 2013 और 2018 में चाइना ने सक्सेसफुली मून लैंडिंग किया था। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो चाइना और रशिया का सबसे बड़ा राइवल है अमेरिका। 1972 के बाद किसी भी देश ने चांद पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब अमेरिका एस्ट्रोनॉट्स भेजने वाला है और डेस्टिनेशन भी यही है, द साउथ पोल। यानी अगर चांद पर जाना है, इतना बड़ा रिस्क उठाना है, तो एक ही एरिया है जो इस मिशन के लायक है, द साउथ पोल ऑफ द मून। रशियन साइंटिस्ट भी मानते हैं कि ये मिशन काफी रिस्की है, जिसमें सक्सेस के चांसेस सिर्फ 70% ही है। 16,000 करोड़ खर्च करके इतना बड़ा रिस्क लेना आसान बात नहीं है। चैप्टर 3, जियोपॉलिटिक्स। हर स्पेस रेस के रूट्स जियोपॉलिटिक्स में छुपे होते हैं। रशिया ने 47 इयर्स में कभी भी लूनर मिशन नहीं भेजा था, तो अभी क्यों? रीजन सिर्फ स्पेस नहीं, रीजन है एक मैसेज, एक ऐसा मैसेज जो रशिया पूरी दुनिया को देना चाहता है, स्पेशली अमेरिका को। अमेरिका आज सिर्फ और सिर्फ चाइना को अपना असली राइवल मानता है। 1990s में सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद अमेरिका ने दुनिया की इकलौती सुपर पावर की पोजीशन कैप्चर की है। लेकिन आज का रशिया अमेरिका के लिए एक रिमाइंडर है कि आज से सिर्फ 30 साल पहले उन्होंने अमेरिका को एक कड़ी टक्कर दी थी। आज चाइना और रशिया मिलकर हर फील्ड में अमेरिका को मात दे सकते हैं। हिस्ट्री बुक्स में हमेशा अमेरिका को स्पेस का बादशाह माना जाता है, लेकिन रशिया ने स्पेस रेस की शुरुआत की। फिर वो स्पुटनिक यानी पहला स्पेस सैटेलाइट हो, या यूरी गागरिन पहला कॉस्मोनॉट, आज रशिया यूक्रेन वॉर के थ्रू रशिया ने ये एस्टेब्लिश कर दिया है दैट दे आर स्टिल एम्बिशियस। और ये एम्बिशन सिर्फ अर्थ की टेरिटरी तक सीमित नहीं है, वो एक लूजर का टैग लेकर चुप नहीं बैठेंगे, फिर वो कोल्ड वॉर हो, जियोपॉलिटिक्स या हो स्पेस वॉर। रशिया आज भी उतना ही कॉम्पिटिटिव है जितना कोल्ड वॉर के दौरान हुआ करता था। इस बात का प्रूफ कुछ डिटेल्स में। पहले रशिया के रॉकेट्स कजाकिस्तान के बेस से लॉन्च होते थे, और लूना ईस्टर्न रशिया से ही लॉन्च हुआ है। यानी रशिया वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद स्पेस मिशंस जैसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स भी हैंडल कर सकता है। जहां दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि रशिया परसेप्शन वॉर हार जाएगा और फिर खुद को बैंकक्रप्ट करके सेल्फ डिस्ट्रक्ट होगा, उनके लिए 16,000 करोड़ का ये रिस्की प्रोजेक्ट एक करारा जवाब है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है अमेरिका के साथ साथ भारत के लिए भी, कि टेक के मामले में रशिया भारत जैसे डेवलपिंग देश से मीलों दूर है। वो हमसे फास्ट भी है और एडवांस्ड भी। एट द सेम टाइम रशिया के लोगों के लिए एक प्राउड मोमेंट हो सकता है। पिछले 1.5 साल से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दोनों देशों के लोगों ने काफी अनसर्टेनिटी फेस की। शायद ये स्पेस मिशन उनके लिए एक राहत हो सकती है। अगर बात परसेप्शन की है, पावर की है, टेक्नोलॉजी की है, तो रशिया सिर्फ भारत से ही नहीं अमेरिका और चाइना से भी रेस कर रहा है। चैप्टर 4, कैन इंडिया विन द रेस। अगर डेटा को देखा जाए, प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखा जाए, तो लगता है यस, रशिया भारत से पहले चांद पर पहुंचेगा। लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट कहते हैं कि रशिया के लिए बिना रोवर के एक ही जगह लैंड करके सिर्फ 50 सेंटीमीटर डिग करके पानी मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और भारत को ये मिशन सक्सेसफुल करने के बेहतर चांसेस हैं। चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद हमने बहुत कुछ सीखा है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ कहते हैं कि इस बार अगर सेंसर्स फेल हुए, इंजन भी फेल हुआ, फिर भी हम सेफली टच डाउन कर पाएंगे। अगर बात सिर्फ नेशनल प्राइड की होती तो चंद्रयान 2 के बाद 6 महीने में ही हम अगला मिशन लॉन्च कर सकते थे, लेकिन हमने वेट किया, हमारे एल्गोरिथम्स में सुधार लाए और अब 2023 में लॉन्च किया, जब हमारे साइंटिस्ट पूरी तरह से तैयार थे। ये इस बात का प्रूफ है कि भारत किसी भी रेस में इंटरेस्टेड नहीं है। क्या भारत स्पेस रेस जीत सकता? इस बात का जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि हम फिनिशिंग लाइन कहाँ ड्रॉ करते हैं, कौन से अचीवमेंट्स को रियल अचीवमेंट्स मानते हैं। सिर्फ पहले पहुंचना यानी रेस जीतना है, तो फिर रेस कब की खत्म हो गई है? क्योंकि अमेरिका तो 50 साल पहले ही चांद पर पहुंच गया, बाद में किसी ने ट्राई ही नहीं करना चाहिए, राइट? लेकिन अगर सबसे कम बजट में चांद पर लैंड करना हमारे लिए जीत है, तो यस, भारत ये रेस जीत सकता है। अगर फेलियर से सीखना आगे बढ़ना होता है, तो यस, भारत ये रेस जीत सकता है। भारत, मीडिया और हमारे लोगों का फोकस कौन पहले पहुंचता है इस पर नहीं, कौन कितने एफिशिएंटली अपने गोल्स को अचीव करता है इस पर होना चाहिए। साथ ही साथ हमें कुछ इम्पोर्टेंट सवाल खुद को पूछने चाहिए। क्यों हम हाई कैपेसिटी रॉकेट्स बनाने के लेवल तक नहीं पहुंचे? क्यों हम हमेशा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कहते रहते हैं? क्यों हमारे R&D के लिए अभी भी सफिशिएंट बजट एलोकेट नहीं होता? क्यों हम इस बिलियन डॉलर इंडस्ट्री में एक छोटे प्लेयर बने बैठे हैं? भारत के लीडर्स
लॉ मेकर्स को इन मुद्दों पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि स्पेस एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन रेस है, जहां हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से होता है। खुद को चैलेंज करना, खुद के लिए नए गोल सेट करना और उन्हें अचीव करना, यही रेस जीतना होता है। और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुँचाने से मुझे फर्क पड़ता है। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसरो की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको चंद्रयान 3 के डिटेल्स जानने हैं तो उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया हुआ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।